आगरा हाईवे पर हुए हादसे से उबर रही हेमा मालिनी ने पहले ही बयान से बवाल खड़ा कर दिया है। हेमा ने सड़क हादसे में मारी गई बच्ची के पिता को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इस भयंकर सड़क हादसे के पूरे एक हफ्ते बाद हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन हेमा ने जो कहा उसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है। ट्विटर पर हेमा ने उस हादसे में 4 साल के मासूम की मौत के लिए उसके पिता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। अगर बच्ची के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो ये हादसा रोका जा सकता था और छोटी बच्ची की जान बच सकती थी। हादसे में मारी गई बच्ची के पिता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने हेमा के इस बयान पर अफसोस जताया है। वहीं दौसा के डीएसपी राजेंद्र त्यागी ने भी हेमा के बयान को गलत बताया है। उनका कहना है कि हादसे के वक्त हेमा मालिनी के कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी और हादसा हेमा के ड्राइवर की गलती से ही हुआ। रोड बाईपास पे जाने के लिए इसके अलावा है नहीं, इंडिकेटर मैंने दे रखा था, मेरे आगे एक गाड़ी और थी, 1-1.5 मिनट का हमने वेट करा गाड़ियां क्रॉस करने के लिए, जब रूट बिल्कुल खाली दिखा तब मैंने लिया। मैं गलत होता, मेरे आगे वाला थोड़ी गलत होता। सर अब जनप्रतिनिधि है, कम से कम कोई चीज बोलनी है तो कम से कम सोच के बोलनी चाहिए। अपन क्या बोल, जो उनका मर्सिडीज का ड्राइवर है उसको भी हमने गिरफ्तार किया था। जो उनका ड्राइवर था उसने मर्सिडीज की गाड़ी को तेज गति लापरवाही से चलाने के कारण वो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत करी है उनका ड्राइवर ने, उनकी तो गलती नहीं हो सकती है मगर उनके ड्राइवर की ये गलती है। हेमा इतने पर भी नहीं रुकी। हादसे के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में हेमा पर सवाल उठाए गए थे। हेमा ने इसका जवाब कुछ यूं दिया। जब मैं असहाय थी और सदमे में थी तब भी सनसनी की भूखी मीडिया और कुछ लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं छोड़ा। आश्चर्यजनक रूप से ये लोग नीचता की हद तक पहुंच गए। मैं बस यही कह सकती हूं कि आप लोगों पर धिक्कार है, भगवान आपका भला करे। दरअसल हेमा मालिनी पर सवाल उठाए गए थे कि हादसे के बाद खुद दूसरी गाड़ी में बैठकर वो चली गई और घायल बच्ची को वहीं छोड़ दिया। अगर वो बच्ची को अपने साथ अस्पताल ले जाती तो शायद उस बच्ची की भी जान बच सकती थी। मेरी बेटी को छोड़ के चली गई, सेल्फ गाड़ी में बैठ के चली गई, कम से कम मेरी गुड़िया थी छोटी, गाड़ी से उछल के बाहर गिर गई, उसको ले जाती तो आज शायद हमारे साथ होती। सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है मुझे, फर्स्ट एड मिल जाता टाइम पे उनके साथ, वो हमारे साथ होती आज। वो जिंदगी का जख्म दिया, ये ठीक हो जाएंगे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा हमारे लिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस को नोटिस भेजकर पूछा है कि पुलिस हेमा मालिनी के साथ बच्ची को अस्पताल क्यों नहीं ले गई। पुलिस पर आरोप है कि उसने हेमा के रुतबे के आगे बच्ची की अनदेखी। गलती किसी की हुई, उसकी कीमत एक मासूम बच्ची ने जान देकर चुकाई, लेकिन हेमा मालिनी इतनी तलखी दिखाने के बजाय चुप ही रहती तो यही बच्ची के प्रति उनके श्रद्धांजलि मान ली जाती। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।